Last time I checked, he's already 8. Why does he need help? Because he's my baby. Even if he's 8. He's still a baby? He'll always be my baby. Still a baby? Yeah. इसका डायपर भी चेंज कर दो। आज तेरा डायपर चेंज करूँ मैं। कर दूँ? पापा। तू तो '1970s की फिल्म हीरोइन लग रही है। आप भी कोई हीरो से कम नहीं लग रहे। और मैच करें हम देखो बाय चांस। हाँ। या। मैचिंग मैच। मैचिंग मैचिंग चले चलो। अरे बेल्ट नहीं पहनी यार मैंने। गिर थोड़ा ना जाएगी पैंट। गिर गई तो पतला हो गया हूँ मैं। इन माय ड्रीम्स। हम तुझे क्या लगता है हम इंडिया में साल में कितनी शादियां अटेंड करते हैं? दो तीन तो कर ही लेते हैं एक सीजन में। हाँ। दो तीन तो जब मतलब अभी तो हम यहाँ पे हैं, मैं बता रहा हूँ जब हम इंडिया रहते थे। हाँ, दो तीन तो एक सीजन में रहते। तो पूरे साल में 7-8 तो 5-6 तो मामूली बात है। देख इतनी बार तो तैयार होने का मौका मिल जाता था अच्छे से। और हमारे को कनाडा आए हुए 10 साल से ऊपर हो गए, कितनी शादियां हमने अटेंड करी है अंडा। तो शादी नहीं अटेंड करने को मिलती यार यहां। इसका एक अच्छा भी है ऋषि। हाँ? नहीं तो इसका मतलब इतनी एज के नहीं है, हमारे दोस्तों के बच्चों की शादियां हो रही है। वेरी यंग। ओह यस, ये भी बात है यार, इसी बहाने खुशी मिल रही है यार कि वी आर यंग। आज हम लोग जा रहे हैं ब्रैम्पटन। हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके लड़के का जनेऊ संस्कार हो रहा है। हम नॉर्थ इंडिया में कम करते हैं, इतना नहीं होता शादी में। जैसे हमारे में जनेऊ होता है शादी के टाइम पे, लेकिन हम में इट्स लाइक नॉट अ वेरी बिग सेरेमनी। बट जैसे जैसे साउथ जाते जाओ इंडिया में, महाराष्ट्र हो गया और साउथ की तरफ हो गया, ये हमारे फ्रेंड्स वैसे तमिलियंस और इनमें इट्स लाइक वेडिंग सेरेमनी। जो इनविटेशन भी भेजा है ना उसने, इट्स प्रॉपर जैसे हमारा कार्ड छपता है ना नॉर्थ में शादी का, जैसे कार्ड छपता है। चलो वैसे शादी नहीं गए तो एक तरह की शादी टाइप सेरेमनी ही हो जाएगी हमारे लिए। मतलब इट माइट नॉट बी ग्रैंड जैसे हमारी पंजाबियों की शादी, तो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर देम। ये बिल्कुल, आप तो नेता लग रहे हो यार, अभी इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, बस वोट दे दो ऐसे लग रहा है बस। अच्छा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, नेता वाला लग रहा है बिल्कुल बढ़िया। पापा इतनी मुश्किल से पापा इतना वो कर रहे थे। आप साड़ियां लेके आई थी साथ में? साड़ी लेके आई थी ना मैं, ये साड़ी वहां से लाया था मैं द्वारका से। ये मेरी साड़ी है और ये वो ना जो मैं लाई थी इंडिया से, पहले कहीं मम्मी की उससे जा रहा है मैच में का पहन लेके शूज के साथ जैकेट मैच कर रही है एकदम बढ़िया। स्पेशली जाना इसी के लिए। तो समक्ष का क्वेश्चन था कि ये थर्ड सेरेमनी या जनेऊ क्या होता है। हाँ बताओ। बाहर कर लें या आने के बाद? नहीं यही बताओ। हाँ ऐसा है कि थर्ड सेरेमनी जैसे हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, इसको उपनयन संस्कार भी कहते हैं। अपने यहाँ 16 संस्कार जन्म से लेकर के मृत्यु तक होते हैं, तो उसमें ये 11वां संस्कार होता है और बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें बच्चा थोड़ा मेच्योर हो जाता है ना, तो उसको एक रियलाइज़ करवाने के लिए भी वो अपना फोकस करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, ज्ञान प्राप्त करने में नॉलेज। हाँ एक तरह से वो पुनर्जन्म होता है, मतलब एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। हाँ। कि बच्चा अगले पड़ाव के लिए रेडी हो गया और उसकी एक मानसिकता बन जाती है, मतलब मेंटेलिटी बन जाती है। अभी हाँ ये ढाका डालने से ना वेरी इंपॉर्टेंट। अंदर चल के देखते हैं, वैसे थोड़ा लेट हो गए हम, बट देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। मुझे लग रहा मैं तमिलनाडु में पहुंच गया। शोभना कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इसका कुमार भोजन चल रहा है। क्या चल रहा है अभी? कुमार भोजन। अच्छा बेसिकली द लास्ट मील बिफोर ही पुट्स द थ्रेड। तो अच्छा अभी डालनी है? ना अभी डालनी है, अभी तो अभी थोड़ी देर तक, अभी बच्चा है फिर अभी बड़ा हो जाएगा। ये इसका लास्ट बच्चे का मील है, फिर क्या हो जाएगी। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। नमस्ते आंटी, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो जी, बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते आंटी, आपको बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस।
part. This is the main part. So what will they do? So they will cover the family, uh-huh, and they will say, they will recite the Gayatri Mantra. Okay. It's kind of the mantra that gives you power. With this knowledge, see, you must understand, knowledge means, I'm not talking about university studies and those knowledge. Those knowledge will give you only material. This knowledge is wisdom. All these things are all working towards who am I. See, everybody thinks we came to the world to do so many other things, it doesn't make any sense. We came here to fulfill our karma, and the next step, we want to find out who am I. Any Shastra, any Puran, you go through everything, the whole Vedas is saying the same thing. Aham Vrikshasya Reriva Kirti Prithangire. क्या चल रहा है? बिहान जा रहा है पढ़ाई करने और वो भिक्षा ले रहा है. अच्छा, भिक्षा ले रहा है. Not allowed to earn money and all. He just takes alms and then goes and learns under the Bodhika tree. This one should come to left. Lemon rice. Thank you. Pan. Dessert pan. Archie, how is the food? बताइए, मजेदार? क्या बात है? अरे वाह वाह आंटी, कैसे लगा? अरे वाह, चलो एंजॉय. हाँ, लेकिन ये बात है, पत्थर में इतनी सारी चीजों के साथ पहले नहीं खाया. मुझे याद नहीं, कभी खाया गई नहीं साउथ इंडिया. मिक्स करो सब. माय सिग्नेचर. स्पाइसी तो होगी बेटा, बट द टेस्ट इज सो गुड. बचपन में ना हम नागपुर में रहे हैं कुछ टाइम, वहाँ मुझे आदत पड़ गई थी हाथ से खाने की. वहाँ पे काफी लोग हाथ से खाते हैं नागपुर में. आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए. पकड़ना. फेवरेट. कांग्रेचुलेशन वंस अगेन. बहुत मजा किया, बहुत बढ़िया खाना था, बहुत मजा था. सबने खाया, सबने खाया. क्यों बाबा जी? एक जो पंडित जी ने बात बाद में बताई ना, वो बढ़िया थी कि ये इसलिए नहीं है कि तुम एजुकेशन लेके जाओगे इसलिए तुम रेडी हो रहे हो ताकि तुम मटेरियल वर्ल्ड में जाके तुम पैसा कमाओगे. इसलिए है कि दिस इज फॉर यू टू गेट विजडम, जो विजडम को यूज करके तुम पूरी ह्यूमन काइंड की बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हो उसकी तरफ जाने. वेरी वेरी इंस्पायरिंग. बहुत बढ़िया लगा. चाहे आज से कई सालों के बाद इस ये वर्ड टू वर्ड बच्चों को याद नहीं रहेगा, लेकिन ये बच्चों को रियलाइज होता है कि कुछ ना कुछ इसका असर पड़ता है लाइफ में, है ना. चलो अब निकल रहे हैं घर फटाफट.